सुप्रीम कोर्ट के आ जाए ऐतिहासिक फैसले के बाद भारत में दो वयस्क लोगों के बीच सहमति से बनाए गए समलैंगिक संबंध अब अपराध नहीं रहे। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली शीर्ष अदालत की संवैधानिक पीठ ने दो वयस्कों के बीच सहमति से बनाए गए समलैंगिक संबंधों को अपराध मानने को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 को मनमाना करार देते हुए व्यक्तिगत चुनाव को सम्मान देने की बात कही। Right now, to be honest with you, I'm just happy, you know, I'm just happy and I just hope that, you know, the fallout of this verdict would, you know, at least pave the way for, you know, more civil liberties, more, you know, we can now at least walk towards, you know, more equality, at least in this country. Thanks a lot, CJ. We are really happy. We couldn't describe how we feel because till date we were like culprits. We were criminals for who we are, but today and anymore from now onwards we are not criminal. We can live our life as who we are. We are really happy. Thank you, Supreme Court. Thanks to one and all who are worked for this. We are very happy. Thank you. Thank you. Thanks to the media for supporting us till date. Thanks a lot. ये हमारे लिए बहुत खुशखबरी है क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 5 साल से ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ। हम लोगों को मालूम है हम लोगों ने कितना मेहनत किया है सेंसिटाइज करने के लिए, कितना होमोफोबिया झेला है, कितना आरोप झेले, कितना मारपीट तक हम लोग ने देखा है। तो ये आज का जो ब्रेकडाउन है हम लोग के लिए बहुत बड़ा ये बोलते हैं ना सक्सेसफुल, एक मेरे पास शब्द ही नहीं है बोलने के लिए एज ऑफ नाउ, बट इट्स वेरी नाइस टू सी। साल से चल रहा है, हमको पूरा उम्मीद हम लोग की, लाइक अभी हम लोग बहुत सारा कुछ कर सकते हैं, हम लोग को पार्टनर्स है, लवर्स है, हम लोग कभी बाहर नहीं आ सकते, आज हम लोग खुल के बाहर आ सकते।